सदगुरु की सर्जी नवा जी, गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। आज का टॉपिक है, बुरे कर्म करोगे तो आशीर्वाद और दुआ भी काम नहीं आएगी। प्यारी सत्संगत जी, आदमी सोचे चाहे कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान को बहुत याद करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, गिरजाघर गुरुद्वारे जाता हूँ, लेकिन बुरे कर्म करूँगा तो बचा रहूँगा, तो ऐसा हरगिज होता नहीं है। बुरे कर्म करोगे तो आशीर्वाद और दुआ, अरदास, प्रार्थना कुछ भी काम नहीं आती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, अच्छे इंसान बन जाओ। कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। हम किसी का बुरा चाहें, किसी का बुरा करें, बुरा सोचें और फिर भगवान के पास जाकर हम आशीर्वाद मांगें, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने कर्मों के कारण ही सुखी होता है और कर्मों के कारण ही दुखी होता है। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म हमें आईना दिखाते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? अगर हमने कांटे ही बो दिए हैं तो आम की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? हमने किसी का बुरा किया है तो फिर हमारा भला कैसे होगा? इसीलिए अरदास प्रार्थना की जाती है कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, तेरे भाणे सरबत का भला। कि सबका भला मांगना है, सबका भला चाहना है, सबका भला करना है, सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है। कर भला तो हो भला, भला का उल्टा होता है लाभ। जब भला करोगे तो लाभ ही लाभ होगा। अक्सर हम दीपावली की जब पूजा होती है देखते हैं शुभ और लाभ लिखा जाता है, तो शुभ लाभ का भाव क्या हो गया कि जब शुभ कर्म करोगे तो लाभ होगा। शुभ कर्म, नेक कर्म, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, मानवता की सेवा करनी पड़ेगी। अगर कोई रो रहा है, उसके हमने आंसू पोंछ दिए, उसे हंसा दिया, तो ईश्वर खुश। बांटोगे खुशी जो तुम भी खुशी पाओगे। कोई गिरा हुआ है, अगर उसको हमने उठा दिया तो परमात्मा खुश। कोई प्यासा है, उसे पानी पिला दिया। कोई भूखा है, उसे हमने खाना खिला दिया, तो ये निरंकार खुश। तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा आचरण है, हमारा चरित्र है, अगर अच्छा है, उत्तम है, उत्तम आचरण, उत्तम चरित्र, नेक कर्म है, तभी आदमी सुखी होता है जीवन में। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका रीजन एक ही है, वो हमारे कर्म। हमने कहीं ना कहीं ऐसे बुरे कर्म किए होते हैं ना, जो दुख बनकर हमारे सामने आता है। अगर जीवन में दुख, मुसीबत, संकट आया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने बुरे कर्म किए हैं, हमने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी के साथ बुरा कर दिया है, तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। हम लाख बुरे कर्म करें और चाहें कि हमें आशीर्वाद मिल जाए, दुआ मिल जाए, हम अरदास प्रार्थना भगवान से करें, तो कबूल नहीं होती। किसी का बुरा करके अब भगवान के दरबार में जाओ, हम कितना भी सत्संग, सेवा, सिमरन कर लें, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद तब मिलता है, दुआ तब मिलती है, अरदास प्रार्थना कबूल तब होती है जब अच्छा अच्छा हम सोचते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, सबके काम आते हैं, सबके लिए दुआ मांगते हैं। कर दुआ ऐ मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। बस एक अपना नारा, जग में हो भाईचारा,
नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। संत महात्मा जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं, संत सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। संत स्वभाव जो होता है परोपकारी होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का दिल बहुत ही कोमल होता है, मक्खन के जैसा होता है, मुलायम कोमल होता है, मक्खन पिघल जाती है, मोम पिघल जाता है, वैसे ही संत का दिल होता है। संत के दिल में होता है रहम, संत होते हैं दयावान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। संत स्वभाव सबका भला करता है, संत स्वभाव बुरे का भी भला करता है, बुरे दा भी भला कर। संत के लिए कोई बुरा होता ही नहीं है, सब अच्छे ही होते हैं। कहे हर देव संत नहीं वो करता जो बुराई है। अगर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम किसी की बुराई कर रहे हैं, निंदा नफा चुगली कर रहे हैं, तो फिर हम संत नहीं हैं। अगर हम ज्ञान हमने लिया है, सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं और निंदा नफरत चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे सुखी हो पाएंगे? हम सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके मन में परोपकार है, दया है, क्षमा है, विशालता है, सहनशीलता है, विनम्रता है, सबके लिए प्रेम है, वही सुखी होता है। सबका अच्छा सोचता है, सबका अच्छा करता है, वही सुखी होता है। नेक कर्म से आदमी सुखी होता है, उत्तम चरित्र से आदमी सुखी होता है, अच्छे आचरण से आदमी सुखी होता है। बुरे कर्म से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है, बुरे कर्म करने के बाद उसका फल भोगना ही पड़ता है। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। तो बुरे कर्म का जो फल होता है वो है दुख, तकलीफ, मुसीबत, संकट, परेशानी। अगर हमारे जीवन में परेशानी आई है, दुख मुसीबत आ गया है, सीधा सा मतलब हमने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन बुरे कर्म हम कर रहे हैं, करते चले आए हैं, लेकिन जब हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, सदगुरु के पास आ गए, तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब अच्छे कर्म करो, अब नेक कर्म करो। ठीक है, अभी तक तो बुरे कर्म कर दिया, अभी तक बुराई करते हुए चले आए हो, लेकिन अब आपको ये निरंकार के साथ में जोड़ा जा रहा है। सदगुरु जी करते क्या हैं? सदगुरु जी सुखी करते कैसे हैं? ये बात भी समझने की है। कोई बुरा से बुरा इंसान, पापी से पापी जीव सदगुरु की शरण में जब आ जाता है, तो सदगुरु उसे परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं और एक ही बात कहते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन करो, नेक कर्म करो, अब परमात्मा को देख लो। पहले आप परमात्मा को जानते नहीं थे, आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो आप जाने अनजाने में बहुत से बुरे कर्म हो गए, गलतियां हो गई, पाप हो गए, लेकिन अब ये देखो परमात्मा सामने है, देख रहा है, यंग संग है। अब कोई भी गलत काम ना करना, अब कोई भी बुरे काम ना करना, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। पुलिस के सामने अगर चोरी करोगे तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। अब तो निरंकार हाजिर नाजिर है, अब तो निरंकार को जानते हो, ये सामने है, ऑनलाइन है, परमात्मा कनकन वासी है। तो इसको देख के सारे कर्म करो, अब आप कोई भी बुरे कर्म मत करना, ये परमात्मा देख रहा है, परमात्मा की नज़र में है हम सब। तो हर पल अच्छे कर्म करो, जब अच्छे कर्म करोगे, और अच्छे कर्म कैसे होते हैं? जब सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, तो संतों के सुंदर सुंदर मीठी मीठी जो वाणी होती है, प्यार भरी जो वाणी होती है, मन को बदल देती है और मन बुराई से अच्छाई में लग जाता है। मन तो पहले भी था जो बुरे कर्म कर रहा था, अब यही मन बुराई को छोड़कर अच्छाई में आता है, नेकी में आता है, नेक कर्म करता है। सत्संग सेवा सिमरन करते करते दुख कट जाते हैं। कैसे कटते हैं? कि सत्संग सेवा सिमरन जब हम करते हैं तो हमसे अपने आप नेक कर्म होते हैं। जब परमात्मा से बंदा जुड़ जाता है तो फिर अच्छा कर्म करता है, नेक कर्म करता है, और अच्छा कर्म करते करते, नेक कर्म करते करते उसके धीरे धीरे बुरे कर्म और पाप सब कट जाते हैं।
अब कहते हैं ना सदगुरु जी हमें सेवा देकर हमारे पाप काटते हैं, हमारे दुख काटते हैं। तो सदगुरु जी करते क्या है, सेवा सत्संग सिमरन देकर हमें अच्छाई के मार्ग पर लगाते हैं, सच्चाई के मार्ग पर लगाते हैं कि अब अच्छे मार्ग पर चलो, सच्चाई के मार्ग पर चलो, भला करो, परोपकार करो, भलाई करते रहिए, बहते पानी की तरह बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। तो जब नेक कर्म करते हैं, करते रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे सारे बुरे कर्म, हमारे पाप कट जाते हैं। तो बुरे कर्म को काटने का एक ही जरिया है नेक कर्म, अच्छे कर्म। और अच्छे कर्म होते हैं सेवा करने से, सत्संग करने से, सिमरन करने से। तो जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा इंसान वरदान होता है, संसार के लिए वरदान होता है, समाज के लिए वरदान होता है, और सबको खुशी ही देता है। वो पूरे दिन कोशिश करता है कि किसी को तकलीफ ना दूं। वो अपने कर्मों की ओर ध्यान देता है कि मुझसे कोई बुरा कर्म हो ना जाए। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हमसे कभी बुरे कर्म हो ना जाए। अब तो हमने परमात्मा को जान लिया है तो सब में परमात्मा को देखते हैं, और अगर बुराई कहीं उनको देखनी भी है तो खुद के अंदर देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना तो मुस्सा बुरा ना कोए, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भला सब कोए। अगर बुराई है तो सिर्फ मेरे अंदर है, मुझ में ही बुराई है, बाकी किसी में कोई बुराई नहीं है। सारी दुनिया अच्छी है, हर इंसान अच्छा है, संत सब में अच्छा ही देखते हैं, संत गुणों के ग्राहक होते हैं, संत सबके अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। किसी में कोई गलती दिख भी गई तो उसकी बुराई नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते, उसके अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। ये संत की क्वालिटी होती है, संत की खूबी होती है। आज सदगुरु जी के पास हम सब आए हैं तो हम सब कितने पापी थे, हम सब ने कितने बुरे बुरे कर्म किए, तो सदगुरु जी ने तो हमारे गुनाह देखे ही नहीं। सदगुरु जी ने हम सब के अवगुणों पे, गुनाहों पे, पापों पे पर्दा डाल दिया, अपना बना लिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया। तो सदगुरु ये करिश्मा करते हैं, पापी से पापी जीव को, बुरे से बुरे इंसान को भी इस निरंकार के साथ जोड़कर उसके जीवन को बदल देते हैं। इसे सदगुरु कहते हैं भाग्य विधाता। सदगुरु भाग्य विधाता होते हैं, जो भी सदगुरु की शरण में आता है वो तर जाता है, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो प्यारी सा संगत जी, हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर हम में कोई बुराई है, अगर हम कोई बुरे कर्म अभी भी कर रहे हैं तो उसको आज से हम छोड़ दें, तौबा करें, लगातार अरदास करें कि प्रभु हमारी जो बुद्धि है सही रास्ते पे चलाना। लेट गॉड डेल इन द माइंड सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इविल वेज। ये जो अंग्रेजी वाक्य है बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि लेट गॉड डेल इन द माइंड, माइंड में इस गॉड को, निरंकार को ले लो तो बुराई से बचे रहोगे, बुरे भाव मन में नहीं आएंगे। अगर गुरु की सोच विचार लेकर चलोगे, इस निरंकार को मन में धारण कर लोगे, मन में परमात्मा को बसा लोगे तो बुराई से बच जाओगे। गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।